ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आदर्श पति बनकर जिस करण मेहरा ने अपनी पत्नी का हर कदम साथ दिया, उसी करण मेहरा पर रियल लाइफ में अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा करने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगाए गए थे, वो भी खुद उनकी पत्नी ने। उस समय तो इस बारे में ये कुछ ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाए थे, पर एक लंबे समय के बाद करण मेहरा अपने इस विवाद पर खुलकर बोले। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अपनी वाइफ के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर करण ने काफी कुछ कहा है जो काफी हैरानजनक है। तो क्या क्या कहा है करण ने आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले एक लाइक इस वीडियो को करना ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री के एक कभी खूबसूरत कपल हुआ करते थे करण मेहरा और निशा रावल, लेकिन अब उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा है क्योंकि पिछले साल निशा रावल ने करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, निशा ने एक्टर और उनके माता पिता पर घरेलू हिंसा के भी आरोप साथ साथ कई घिनौने आरोप भी लगाए थे, जिनके बदले में ये ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए थे क्योंकि इनके पास खुद को डिफेंड करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक लंबे समय के बाद अब करण कोर्ट के पेपर्स और सबूतों को इकट्ठा कर मीडिया के सामने आ चुके हैं और एक एक कर वो अपने और अपनी फैमिली पर लगे झूठे आरोपों को लेकर बातें करते नजर आए। करण ने कहा कि उस समय उन चारों यानी करण, उनके मम्मी पापा और भाई के लिए मुश्किल समय था। इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रेस था क्योंकि उस समय करण को घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने 20 साल जो मेहनत की, जो बनाया है, वो सब कुछ छोड़कर आज उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है। उनके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, एक कपड़े नहीं थे, ना गाड़ी थी, उनके पास अपना कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपना फोन लेकर निकले थे। फोन पर जो एक FIR दर्ज की गई थी उसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक FIR का 600 पेज का जवाब बनाया है। चीजें याद करके, कहीं कहीं से कलेक्ट करके फिर जाकर उन्हें अग्रिम जमानत मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पेरेंट्स और भाई को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई है। वही करण ने वाइफ के बारे में बताते हुए कहा, जैसे कुछ समय पहले करण ने कहा था कि गैर मर्द के साथ रह रही है निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। अभी कोर्ट केस चल ही रहा है, उनका अभी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है रोहित सेठिया के साथ, जो उनके मुंह बोले भाई है। हमारी शादी में उन्होंने कन्यादान किया है, पर करण उस समय उस बात को कहते तो सभी कहते कि वाइफ ने उन पर आरोप लगाया है, तो बदले में उन्होंने भी ऐसा कहा है। बड़े ही दर्द के साथ उन्होंने आगे कहा कि 14 महीने लगे हैं सारे सबूत इकट्ठा करने में, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इस तरह से करण ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाइफ निशा द्वारा उन पर लगाए सभी आरोपों को लेकर खुलकर बातें की और अंत में उन्होंने कहा कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, वो चाहते हैं बच्चों की कस्टडी उन्हें दी जाए। तो दोस्तों, करण की साइड की कहानी के बारे में जानकर आपको क्या लगता है कि क्या करण इस केस में बेगुनाह है? क्या निशा ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।